जोधपुर राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ में सोमवार को नाबालिग के पिता द्वारा गर्भपात की अनुमति की मांग को लेकर दायर याचिका की सुनवाई हुई, जिसमें हाईकोर्ट जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने अनुमति देने से इनकार कर दिया। साथ ही इस मामले में बिलाड़ा थानाधिकारी को नाबालिग के गर्भपात संबंधित मॉनिटरिंग करने के आदेश दिए गए हैं। मामले के अनुसार नाबालिग के पिता ने कोर्ट में याचिका दायर कर उसकी नाबालिग लड़की जो कि गर्भवती है का गर्भपात कराने की अनुमति मांगी गई है, जिस पर कोर्ट ने उक्त मामले में एमडीएम अस्पताल के अधीक्षक से मेडिकल बोर्ड गठित कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट में पेट में पल रहे भ्रूण को 26 सप्ताह से ज्यादा समय होने के कारण गर्भपात संभव नहीं होना बताया, जिसके बाद कोर्ट ने अनुमति नहीं दी। लड़की के अपहरण के मामले में उसके पिता की ओर से बंदी प्रतीक्षा ग्रहण याचिका प्रस्तुत की गई थी। अपहरण की अवधि में नाबालिग गर्भवती हो गई थी। इसके संबंध में माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार लड़की का परीक्षण चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। उसके तहत उसके गर्भ में 26 सप्ताह का भ्रूण पल रहा था। इस संबंध में माननीय न्यायालय ने मथुरादास माथुर अस्पताल के सुप्रिंटेंडेंट को निर्देश दिए थे कि उसके बारे में एक बोर्ड गठित करें जिसमें कम से कम 3 जो है फीमेल गायनेकोलॉजिस्ट हों और उसके बारे में जांच करके ये न्यायालय को बता दें कि यदि इस महिला के इस बच्ची के 26 सप्ताह और कुछ दिनों का गर्भ है और इस अवधि में यदि उसका टर्मिनेशन कराया जाता है तो उसके स्वास्थ्य और क्षेम को और जीवन को खतरा उत्पन्न हो सकता है। ऐसी स्थिति में माननीय न्यायालय ने लड़की के पिता की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज करते हुए थानाधिकारी बिलाड़ा को निर्देश दिए हैं कि इस लड़की का टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होना नहीं चाहिए और इस संबंध में वो सुनिश्चित करें और उसके माता पिता को बराबर आगाह करते रहें।